करनाल केंद्रीय के गांव समोरा के शिव मंदिर में युवा संगठन समोरा की ओर से पहला रक्तदान शिविर लगाया गया। इस रक्तदान शिविर के आयोजन में समाज सेवी कपिल किशोर का विशेष सहयोग रहा। इस मौके पर सरकारी अस्पताल की टीम ने रक्त एकत्रित करने में सहयोग किया। इस अवसर पर 70 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। इस रक्तदान शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर डॉक्टर संजय वर्मा ने कहा कि रक्तदान महादान ही नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर है। आजकल नई मशीनों के आने से आपके द्वारा दिया गया एक यूनिट रक्त विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित 3 मरीजों की जिंदगी बचाने के काम आ सकता है। उन्होंने कहा कि पहले रक्तदान करने के बारे में कई भ्रांतियां थी, लेकिन आजकल लोगों में जागरूकता आ गई है। लोग अपनी स्वेच्छा से रक्तदान करते हैं। एक स्वस्थ आदमी को साल में कम से कम 3 बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने 18 से 65 साल तक के लोगों को रक्तदान करने की अपील की और कहा कि रक्तदान करने से स्वयं भी कई बीमारियों से बचाव हो जाता है। समाज सेवी कपिल किशोर ने कहा कि थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों को रक्त की कोई कमी ना हो, इसके लिए ऐसे रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर संजय इंचार्ज ब्लड बैंक सरकारी अस्पताल करनाल से। आज हम युवा संगठन समोरा के आमंत्रण पर यहाँ रक्तदान कैंप लगाने के लिए आए हैं और यहाँ पे बहुत ही बढ़िया जो है रक्तदाताओं का रिस्पॉन्स हमें देखने को मिल रहा है। लगभग 50 के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं और डोनर अभी तक जो है आए जा रहे हैं। रक्तदान आपके माध्यम से मैं सभी लोगों को जो कि मुख्यतः 18 से 65 साल की उम्र के बीच में हैं, उन सब से अपील करूंगा कि वो रक्तदान करें और नियमित रक्तदान करें ताकि हमारे देश में कभी भी रक्त की कमी ना हो। जो भ्रांतियाँ हैं लोगों की, मैं वो दूर करना चाहूँगा कि ब्लड सबसे पहले तो रक्तदान करने से शरीर में किसी प्रकार की कोई कमज़ोरी नहीं आती, बल्कि आपको इससे वो फ़ायदे होते हैं जो किसी और दवा से या किसी और परहेज से भी नहीं होते। जो है आपके दिल की बीमारियां होने का जो खतरा है वो तकरीबन 15 से 20% कम हो जाता है। कैंसर होने का खतरा भी जो है जनरल पॉपुलेशन के मुकाबले 2% तक कम हो जाता है। आपका कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल में रहता है, आपके बुरे फैट्स कंट्रोल में रहते हैं, आपकी बोन मैरो जहाँ हमारा ब्लड बनता है वो स्टिमुलेट होती है और जो वो बेहतर एंटीबॉडीज़ ब्लड में सिक्रीट करती हैं जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत अच्छी हो जाती है और बहुत सी जो बीमारियां आजकल चल रही हैं उनसे लड़ने में हमें बहुत मदद मिलती है। जो रक्तदान करने से ही जो है ब्लड का एक फ्लो जो है वो बेहतर मेंटेन रहता है, जिससे आने वाले दिनों में खून के जमने की संभावना ना के बराबर हो जाती है। और जो भी व्यक्ति रक्तदान करता है हम उसके 5 बीमारियों के लिए, जिसमें 2 तरह के काले पीलिए हैं, HIV एड्स है, सिफिलिस और मलेरिया है, उनके बड़े टेस्ट करते हैं, जिसमें अगर कोई बीमारी है तो उनको हम बताते हैं और उनका इलाज के बारे में भी उनको समझाते हैं। और सबसे बड़ी बात जो अब मैं कहूँगा कि रक्तदाता रक्तदान करने से 1 से 3 लोगों का जीवन बचाता है। जो भी हम रक्त लेते हैं उसको हम 3 भागों में विभाजित करते हैं अपनी मॉडर्न मशीनों के द्वारा, जिसमें पैक्ड RBCs, प्लाज्मा और प्लेटलेट्स। जिसको जो ज़रूरत है मरीज़ को वो चीज़ दी जाती है जिससे जो मैक्सिमम बेनिफिट उसको मिलता है और साइड इफ़ेक्ट्स ना के बराबर रह जाते हैं। मैसेज मैं सभी युवाओं को और 18 से 65 साल के सभी व्यक्तियों को यही कहूँगा कि आप रक्तदान करें और नियमित रक्तदान करें, क्योंकि नियमित रक्तदान करने से हमारे देश में, प्रदेश में, हमारे ज़िले में कभी भी रक्त की कमी नहीं होगी। आज हमारा ये ब्लड डोनेशन कैंप थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चों के लिए गांव समोरा में यहाँ के युवाओं के, सभी युवाओं के सहयोग से लगाया जा रहा है। हम सभी का इनका धन्यवाद करते हैं। युवाओं में बहुत ही ज़बरदस्त जोश है। आज पहला यहाँ का रक्तदान शिविर है और रक्तदान के बारे में डॉक्टर साहब ने काफ़ी कुछ बता दिया है कि रेगुलर ब्लड डोनेट करने से कोई कमजोरी नहीं आती। मैंने भी आज 63 बार ब्लड डोनेट किया है। और थैलेसीमिया के बारे में मैं बताना चाहूँगा, ये वो बीमारी है जिनमें छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका खून नहीं बनता, हर 20-25 दिन बाद इन बच्चों को ब्लड की आवश्यकता पड़ती है और थैलेसीमिया का अभी तक हमारी मेडिकल साइंस में कोई भी इलाज संभव नहीं हो पाया है। अगर कोई है तो वो बहुत ही महंगा और बहुत ही मुश्किल है। इससे बचने के 2 ही रास्ते हैं। एक तो शादी से पहले लड़का और लड़की का ब्लड टेस्ट कराया जाना चाहिए, दूसरा प्रेगनेंसी के दौरान भी हर लेडी का टेस्ट होना चाहिए इसके बारे में, ताकि आने वाले बच्चे को इस बीमारी से बचाया जा सके। और हमारे करनाल शहर में
किसी भी मरीज को ब्लड की कमी ना हो, इसके लिए हम समय समय पर ब्लड कैंप्स लगाते रहते हैं। अगला जो हमारा रक्तदान शिविर है 11 अक्टूबर यानी आने वाले संडे को मानव सेवा संघ में, उससे अगला 18 अक्टूबर को करनाल के सिविल हॉस्पिटल के ब्लड बैंक में, फिर 26 अक्टूबर को बड़ा गाँव में और 1 नवम्बर को इंद्री में हमारे लगातार कैंप्स चलते रहते हैं। जो भी भाई आसपास रहते हैं सभी से अनुरोध है इन कैंप्स में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise।